भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक भोपाल में होना है। 14 सितंबर मंगलवार को होटल पलाश में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री और भारतीय चित्र साधना के महासचिव श्री अतुल गंगवार ने आयोजन समिति और आयोजन स्थल की घोषणा की। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में होगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी और सचिव श्री अमिताभ सोनी भी उपस्थित रहे। श्री विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जमीन से जुड़े हुए लोगों की कहानियां भी आसानी से समाज में पहुंच सकेंगी। हमने संस्कृति को भारतीय सिनेमा से जोड़कर खत्म कर दिया है। हमारे हर उत्सव में आजकल सिनेमा के गाने बजाए जाते हैं। कहानियों ही राष्ट्र की संपत्ति बनती है, इसलिए जमीन और लोगों से जुड़ी कहानियां सिनेमा के माध्यम से समाज में पहुंचे, इसका प्रयास होना चाहिए। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि 1990 के बाद उदारवादी व्यवस्था में सांस्कृतिक आक्रमण भी हुआ। पहले भी फिल्मों में भारत का आम आदमी समस्याओं से लड़ता हुआ और जीतता हुआ दिखाया जाता था, लेकिन अब विदेशों में जाकर प्रेम करते हुए ही दिखाया जाता है। इसलिए इसमें काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें आम आदमी गायब हो गया है। समाज का जो सकारात्मक पक्ष है, हमारे राष्ट्र का जो सकारात्मक पक्ष है, वो नदारद हो गया है। और इसका जिस तरह से व्यवसायीकरण हो गया है, इसे रोकने की आवश्यकता है और एक नया संदेश देने की हमें बहुत ही गहन जरूरत है। श्री दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि भोपाल में फिल्मों को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। भोपाल में फिल्म इंस्टीट्यूट बनाना हो या इससे संबंधित कोई भी काम करना है, इसके लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये फिल्में, जो लघु फिल्में बनाई जाएंगी, उनमें विभिन्न श्रेणियों के 10 विषयों में फिल्में आमंत्रित हैं। एक फिल्म निर्माता, भारतीय फिल्म निर्माता 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक अपनी फिल्में भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चित्र भारती की वेबसाइट देखी जा सकती है। जो 10 विषय फिल्मों के लिए निर्धारित किए गए हैं, वे हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल और लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, भारतीय संस्कृति और मूल्य, इनोवेशन रचनात्मक कार्य, परिवार, पर्यावरण एवं ऊर्जा तथा शिक्षा एवं कौशल विकास। ये फेस्टिवल क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि एक फिल्म फेस्टिवल है, आज कुछ ऐसा माहौल हो गया है देश में, आखिर भारत है क्या, जिसपे हम इतना गर्व करते हैं। हम कहते हैं ये भारत है, ये भोपाल है, जिसपे हमें प्यार है, वो क्या है। कोई भी जो एक सभ्यता है या एक संस्कृति है, एक राष्ट्र, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिक रीजन नहीं है, वो वहां की कहानियां है। आज आप जो पार्टीशन के बारे में जानते हैं, आज हम जो एक वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं, सारे हमारे पुराण, जो ये है क्या, ये कहानियां है उस वक्त की, एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल जो एक मनस्थिति है उस वक्त पे, हम जहां इवॉल्व होके पहुंचे हैं, वो कहानियां जब दर्ज होती हैं इतिहास में, तो वही उस राष्ट्र की संपत्ति, उसकी लेगेसी बनती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी जमीन, आपके लोगों से जुड़ी कहानियां लोगों तक पहुंचे, चाहे वो नॉवेल्स के मार्फत पहुंचे, चाहे वो फिल्मों के मार्फत। लेकिन कुछ इस राष्ट्र में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसा मेरा मानना है, और जो लोग समझते हैं इस बात को वो भी मानते हैं इस बात को, कि जब 1990 के बाद हम लोग लिबरलाइजेशन हुआ इस देश में, तो लिबरलाइजेशन से बड़े फायदे भी हुए, लेकिन लिबरलाइजेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान था, वो था एक तरह का भारत पे कल्चरल वॉर। भारत के कल्चर को जब विदेशी कंपनियां आई
तो धीरे धीरे आप देखिए भारत की कहानियां कम होती गई। वही हीरो जो एक किसान का बेटा हुआ करता था, एक जमींदार से लड़ाई लड़ता था, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से जो एक क्लर्क का बेटा, एक शिक्षक का बेटा, एक कॉमन मैन, चाहे वो दिलीप कुमार की फिल्म में हो, चाहे राजकुमार की रही हो, राज कपूर की रही हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन तक की रही हो, वो एक आम आदमी भारत की जमीन से जुड़ा, भारत की समस्याओं से लड़ने वाला, उनका समाधान करने वाला हीरो फिल्मों में हुआ करता। तो चारों तरफ शूटिंग चल रही, इस वातावरण को बनाए रखने में विवेक जी जैसे क्रांतिकारी, इसके बारे में आपको कभी ताशकंद फिल्म चूंकि मैंने देखी थी और मैं पूरी रात जाग के देखी, दो बार देखी थी, मैं शॉक हो गया। ऐसी फिल्में बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। किसी बात के अगेंस्ट खड़े होना, किसी धारा के अगेंस्ट खड़े होना बहुत हौसला, बहुत हिम्मत, बहुत साहस और आंतरिक शक्ति लगती है। किसी को मालूम नहीं रहता कि इसका कितना विरोध होगा। तो मैं तमाम लोगों से आपसे गुजारिश करता हूँ, इस समारोह को सफल बनाए। 18, 19, 20 फरवरी को हम लोग शुरू करेंगे। हमेशा हर महीने हम आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे।